लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आलोचना तो मीरा के भक्ति की भी की गई थी, मीरा को भी दीवाना कहा गया था, लेकिन मीरा अपनी भक्ति में, प्रेम में, विश्वास में दृढ़ रही, इसीलिए तो भवसागर से पार हुई। कलयुग बड़ा अजीब है, लोग कान के कच्चे हैं, धूर्त के बहकावे में आकर राम को रावण घोषित करते हैं और रावण को राम। असत्य कितना भी शोर क्यों ना मचा ले, जीत सदैव सत्य की होती है। सत्कर्मों से वास्ता और सद्गुरु पर आस्था हो तो सद्गुरु मार्गदर्शन कर मुश्किल पहाड़ों में भी रास्ता दिखाएंगे। भक्ति में चातक पक्षी जैसे स्वाभिमानता हो, जो वर्षा की पहली बूंद का ही पानी ग्रहण करता है, भले ही उसके सामने झील क्यों ना हो, वह प्यासा रहेगा लेकिन कहीं और का पानी ग्रहण नहीं करेगा। अपने सद्गुरु पर भी ऐसे स्वाभिमानी एक निष्ठ भक्ति करनी चाहिए, कोई और प्रलोभन असर ना करे। कितने भी दुख संकट क्यों ना हो, सद्गुरु कृपा अमृत बूंदे जरूर बरसेंगी, ऐसा सद्गुरु पर दृढ़ विश्वास रखो। सारे रिश्ते नाते, यह जश्न, यह खुशियाँ, यह ठाके, सब कुछ क्षण भंगुर हैं। इस संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। कर्मों की गठरी लेकर अकेले ही जाना पड़ेगा, इसीलिए स्वयं को परमार्थ प्राप्ति के लिए अग्रसर करें, वही तुम्हारे मनुष्य जीवन की सफलता होगी। परोपकार वही सफल है जो निस्वार्थ भाव से और कर्ता भावना बिना किया गया हो। इच्छाएं पूरी हो, इसीलिए भक्ति विश्वास प्रेम है, यह सत्य भक्ति नहीं। लेकिन इच्छाएं पूरी भी ना हो, फिर भी तुम्हारी भक्ति विश्वास प्रेम विचलित ना हो, यह सत्य भक्ति है। सद्गुरु जानते हैं तुम्हारे लिए क्या योग्य है क्या नहीं। श्रद्धा सबूरी विश्वास की परीक्षाएं भी बहुत होंगी, बल्कि निष्ठावान समर्पित प्रेम भाव भरी अटूट विश्वास भरी होगी। सद्गुरु वह करेंगे जो तुम्हारे जीवन के लिए परम कल्याणकारी होगा। जिन्हें सद्गुरु का प्यार मिला वह भौतिक सुख भुला देते हैं, ना हीरे मोती ना ऊंचे महल उन्हें लुभाते हैं, वे कृष्ण दीवानी मीरा जैसे भक्ति के रंग में रंग जाते हैं। सद्गुरु अपने सच्चे साधकों का जीवन नष्ट नहीं होने देते, उचित मार्गदर्शन कर उनका उद्धार करते हैं। हमेशा खुश रहो, सबका मालिक एक।